जय श्री राम। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आई नो बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही, कोई अपडेट्स नहीं थे, चैनल ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुका है। सो अभी से रेगुलर होगा लाइव स्ट्रीम वगैरह, प्लस वीडियोस भी डालूँगा क्योंकि थोड़ा बाहर गया हुआ था। सो वीडियोस नहीं डाल पाया। तो आज सबको पता है कि 2.9 का BGMI का ऑफिशियल रिलीज़ हुआ है एंड ये उसका ट्रेलर छोटा सा मैंने सोचा आप सबने देखा होगा, बट स्टिल डाल देता हूँ। मेरे पास 1000 UC बचे हुए थे जो RP लेता हूँ उसमें से आए थे रिबेटों के, तो सोचता हूँ कि जो रणवीर सिंह की क्रेट है उसमें लक यूज़ किया जाए। पहले ही 10 स्पिन में रणवीर सिंह का आउटफिट निकल जाता है और दोनों स्पिन में मैं देखता हूँ तो एक एक गन मटेरियल निकलता है। सो मुझे लगता है कि भाई ये इससे ज़्यादा लक क्या हो सकता है। तो हम आ चुके हैं 2 पैक्स डलवा के और आज कोई सिंगल क्रेट ओपनिंग नहीं होगी, इट विल बी ए डुअल क्रेट ओपनिंग। एक रणवीर सिंह के जो क्रेट आई है वो, और सेकेंड जो क्रेट ओपनिंग होगी वो होगी हमारे जो 4 एक्सूट्स आए हैं। एक नया वाला जो एक्सूट आया है वो इतना खास तो नहीं है, पर ओपनिंग करना बनता है आप सबके लिए। और बाकी के 3 तो मेरे पास यूजुअली नहीं थे, उस टाइम पे नहीं ले पाया था। सो पहले मैं अपना लक ट्राई करता हूँ रणवीर सिंह के क्रेट पे। हमेशा की तरह 3 बार सिंगल ट्रिक सिंगल ओपनिंग के साथ फिर 10 करता हूँ। तो पहले ही इसमें M249 प्लस 3 गन मटेरियल देख रहे हो। सेकंड करता हूँ फिर से गन मटेरियल। गन मटेरियल्स की तो बारिश हो रही थी इस क्रेट में। M249 इतनी खास तो नहीं लगी, टट्टी सी है, पर ठीक है सह लेंगे थोड़ा। तो वापस मैं ट्राई करता हूँ बट फिर इसमें कुछ नहीं निकलता, तो मैं सोचता हूँ कि एक्सूट ही ओपन कर लिया जाए, अननेसेसरी का यूज़ ही नहीं खर्चा करना है। तो फिर मैं एक्सूट वाले इसमें जाता हूँ। ये एक छोटा सा ट्रेलर फियोर एक्सूट का, आई होप आप सब ने तो देख ही लिया होगा, मेरे चैनल पे थोड़े दिन पहले डाला था। और अब हम ट्राई करते हैं अपना लक यहाँ पे, क्योंकि 2 पैक्स डाले थे। मुझे नहीं लगता कि कम्प्लीटली मैंने वो 2 पैक्स किसी में यूज़ किए हैं या किसी एक स्पेसिफिक क्रेट में। तो लेट्स सी क्या होता है। तकरीबन 12 से 13 हज़ार UC हमने इस एक्सूट के क्रेट ओपनिंग में लगाए हुए हैं। होप सो कि लक यहाँ पे थोड़ा काम आए। सो देखते हैं कि कैसे चलता है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा अलग करता हूँ मैं, कि 5 बार सिंगल क्रेट ओपनिंग कर लेते हैं। सो वो करके मैं ट्राई करता हूँ और उसके बाद में 10 क्रेट ओपनिंग करते हैं। सो पहले 5 में तो इतना कुछ खास निकला नहीं, और आप लोग देख रहे हो पैसे निकालने की ट्रिक BGMI की, हमेशा सिल्वर कॉइन से कुछ ना कुछ दिया करते थे, बट इस बार कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ UC का खेल रखा हुआ है। सो देखो भाई कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है। पहले सिर्फ गेम हुआ करता था, अब लूटने की मशीन हो गई है। ये सिंगल टैप पे 5 में कुछ खास नहीं मिलता है मुझे, बस उसके बाद के क्रेट्स में हम देखते हैं कि लक रहता है या नहीं। सो ये ख़त्म हो जाता है तो अभी हम 10 करेंगे ओपन। सो जिनको पता नहीं है बता देता हूँ कि 300 क्रेट्स ओपनिंग पे तुमको एक सूट कन्फर्म मिल जाता है, और ये मेरे पहले ही 10 स्पिन में मुझे ACE 32 की स्किन मिल जाती है, प्लस एक पैराशूट जो मेरे पास नहीं था वो मुझे मिल चुका है। सो आई थिंक पोसाइडन का ही है वो पैराशूट। वापस से हम एक और 10 का स्पिन करते हैं। यहाँ पे वो इमोट जो है मेरे पास था ऑलरेडी, क्रिस्टल ऑर्नामेंट नहीं था तो वो कन्वर्ट नहीं होगा पॉइंट्स में। फिर और एक बार 10 करते हैं तो इसके पहले ही स्पिन में हमें मिल जाता है होवरबोर्ड स्काई एज का, जो नई एक्सूट आई है उसका होवरबोर्ड है, और एंडिंग में पोसाइडन का होवरबोर्ड। सो लक तो है भाई। सो फिर वापस एक बार 10 करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे फिर से एक बार ACE 32 की गन स्किन आ चुकी है। सो बस 45 स्पिन्स ही किए हैं अभी तक हमने, अब सिर्फ गिनती करना कि कितने मैक्स सूट निकलता है। सो ये 55 हो गए, कुछ खास नहीं निकला इसमें, और ये और 10 कर दिए मैंने। सो यहाँ पे देखो 50 यत स्पिन में मुझे एक सूट मिल चुका है। फ्योरी एक सूट किसी को नहीं लगा इतने जल्दी, सब लोग को 300 में रिडीम करना ही पड़ा था।
जैसे ही वो निकल जाता है मैं दूसरे क्रेट पे शिफ्ट कर देता हूँ, सोचता हूँ सिल्वानस का निकाल लेंगे इसमें से। तो इसमें मिथिक्स भी अच्छे थे तो मैंने सोचा कि मिथिक्स पे लक ट्राई किया जाए रैदर देन वहाँ पे यूसी गलाते बैठे, क्योंकि उसमें आपको पता ही होगा कि सिर्फ 4 एक्सूट्स ही है। सिल्वानस में और एक 10 मारता हूँ तो एक, मतलब मेरे पास जो मिथिक ऑलरेडी थे वही मिल रहे थे, तो कुछ खास नहीं मिला, एक हेड गियर ही मिला। और एक 10 का स्पिन करके देखता हूँ, यहाँ भी डिसअपॉइंटमेंट आता है, बस हेड गियर के अलावा कुछ नहीं मिला इस 10 क्रेट ओपनिंग में भी। सो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था। तो मैं क्या करता हूँ कि अवलांच एक्सूट के पास जाता हूँ, सोचता हूँ यहाँ पे कुछ मिल जाए, क्योंकि मैंने थोड़े क्रेट्स ओपनिंग देखे थे तो लोगों के एक्सूट्स निकल रहे थे जस्ट पहले 2-3 स्पेंस में ही, बट यहाँ पे भी जो ऑलरेडी मेरे पास था वही मिल रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। सो मैंने 2-3 स्पिन्स यहाँ पे भी ट्राई किए, मतलब 10 स्पिन्स के, तो एक में मिथिक निकल गया था जो मेरे पास नहीं था, तो और एक एक्साइटमेंट लेके आया कि और एक 10 किया जाए। सो मैं वापस खोलने गया तो यहाँ पे भी जो ऑलरेडी था वही मिला, उसके अलावा सिर्फ कॉइन्स, तो मूड ऑफ हो गया। फिर मैं वापस पोसाइडन के पास गया, पहले ही 10 पिन में चमत्कार हो गया, और देखो कि एक सूट निकल आया भाई पहले ही 10 पिन में, मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो हो चुका था। यहाँ पे पहले 10 पिन में एक सूट निकल गया। फिर मैं सोचता हूँ कि और कुछ अच्छा निकाला जाए, बट देन बैकपैक के अलावा कुछ अच्छा नहीं मिलता। ये बैकपैक मेरे पास था नहीं, बट इट्स ओके, एक अलग एक्साइटमेंट होता है कि एक सेट पूरा कंप्लीट हो जाए। तो पोसाइडन में से 20 में थोड़ा अच्छा खासा निकल जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि बाकी के यूसी यूटिलाइज़ करूँ बाकी के 2 एक्सूट्स में, क्योंकि मेरा एम यही था कि मुझे एक्चुअली 4 एक्सूट्स निकालने थे, जिससे कि क्या हो जाता है कि मेरे पास ऑलमोस्ट सारे एक्सूट्स हो जाएंगे, भले ही मैंने उसे अपग्रेड किया हो ना हो, बट मेरे पास एक सेट हो जाएगा एक्सूट्स का, कि एक ही मिसिंग होता आर्केन जेस्टर, वो आया नहीं गेम में। सो यहाँ पे भी 10 पेंस में सब मैथिक जो ऑलरेडी है वही मिल रहे थे। सो 300 का बार फुल हो गया था, बट मेरा ध्यान नहीं था। सो मैं 600 के क्रेट्स ओपनिंग किए जा रहा था। सो मुझे पहले इसमें ही वापस ग्लाइडर मिल जाता है, ग्लाइडर के बदले कॉइन्स, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास आ चुका था ये। सो यहाँ पे मैं स्पिन 2 स्पिन कर लेता हूँ 10 के, तो यहाँ पे कुछ नहीं, डिसअपॉइंटमेंट। फिर नीचे देखता तो 300 का बार ऑलरेडी फुल हो चुका था, तो उसके बदले में मुझे ये नोटिफिकेशन दिया गया कि तुम्हें कॉइन्स मिलेंगे। तो मेरे पास अभी ऑलरेडी 1800 कॉइन्स पड़े हुए थे, तो मैं जस्ट सोच ही रहा था कि या तो इसका गिव अवे किया जाए, या फिर जो डिस्काउंटेड फ्रैगमेंट्स है वो फ्रैगमेंट्स लेके अपना ब्लड रेवन जो है वो, या तो एडवांस फॉर्म अगर आज हो जाता तो मैं उसे किलफीड भी ले जाता। बट डन, जैसे ही मैं यहाँ पे डिस्काउंटेड स्टार फ्रैगमेंट्स ले लेता हूँ, अपना लक यूज़ करता हूँ, तो स्टार फ्रैगमेंट्स में तो मुझे तगड़ा लक मिल जाता है, 50% ऑफ मिल जाता है, और जो सिल्वर वाला फ्रैगमेंट है उसमें पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, मैं याद नहीं आ रहा मुझे, बट सिल्वर फ्रैगमेंट में मुझे सिर्फ 30% ऑफ मिलता है। सो लास्ट टाइम मर्मोरिस एक्सूट के टाइम मेरे साथ एक स्कैम हो गया था कि डिस्काउंट वाले टोकन्स अप्लाई नहीं हुए थे, जिसके बदले में मैं BGMI को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एज अ रिबेट एक्चुअली मेरे 730 कॉइन्स जो है वो ये मतलब वेस्ट हो गए थे, मुझे यूसी डलवाना पड़ा था एक्स्ट्रा, जो अप्लाई ही नहीं हुए थे। और मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी वो देखी, तभी पता चला कि वो BGMI ने स्कैम कर लिए। तो मैंने वीडियो प्रूफ के साथ उनको मेल किया था, मेल करने के बाद उनके यहाँ से जब मतलब ऑथेंटिकेट किया गया कि हाँ ये जेन्युइन इशू था, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया हुआ है, तो एज एन मीन्स क्या बोलते हैं उसको, टोकन ऑफ एपोलॉजी उन्होंने 8000 कॉइन्स दिए। सो जिससे मैंने अपना मर्मोरिस एक्सूट जो है लेवल 4 कर लिया था। ये कोई स्कैम नहीं है, ये एक्चुअली आई वॉन्टेड टू थैंक यू BGMI थ्रू माई वीडियो, कि उन्होंने एज ए टोकन जो है टोकन ऑफ एपोलॉजी 10x ज़्यादा मुझे कॉइन्स दे दिए। सो यहाँ पे मैं चाहता तो अभी 1900 कॉइन हो गए थे, तो मैं कोई एक सूट ले सकता था 1000 कॉइन्स के साथ, बट मैंने सोचा कि स्टार फ्रेगमेंट्स लेके क्यों ना अपग्रेड किया जाए। तो यहाँ पे देखो अभी क्या होता है, तो मैं ये स्टार फ्रेगमेंट्स ले लेता हूँ 1000 कॉइन्स के साथ, अभी भी मेरे पास 923 कॉइन्स बचे थे। सो मैं अभी जाता हूँ अपने एक सूट्स के पास। सो एक सूट्स में मेरे पास अभी फ़िलहाल
ये ब्लड रेबन है, मुझे इसे एडवांस फॉर्म करना था, बट मैं देखता हूँ तो 67 तो ऑलरेडी थे मेरे पास, और 200 देखता हूँ तो कहाँ गए। फिर मैं मूड ऑफ था, वापस रणवीर सिंह के क्रेट पे जाता हूँ, 1100 ही यूसी बचे थे, तो पहले ही इसमें स्वैगी बाबा का आउटफिट निकला था। इतना खास तो नहीं, बट ठीक है, चलो एक परमानेंट मिथिक तो मिल गया, और नेक्स्ट में गन मटेरियल निकल जाता है। तो यही होप लेके मैं और एक हाफ पैक डलवा देता हूँ। सोचता हूँ कि मुझे जो वॉइस पैक चाहिए, क्योंकि ये वॉइस पैक में बहुत मस्त आवाज़ है, मुझे ये वॉइस पैक लेना था, तो इसके लिए मैंने हाफ पैक डलवाया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वो पैक वेस्ट गया। वेस्ट गया नहीं बोल सकता, क्योंकि जो गन मटेरियल्स दिए, तुम देखो इसमें हर एक 10 के स्पिन में 3 मिल रहे थे, तो ऑन एन एवरेज 1 या 2 तो मिले ही हैं मुझे पर 10 स्पिन्स के। करे जा रहा था, कुछ मिला नहीं, तो मैंने अपना ट्रिक यूज़ करने का सोचा, एक एक का 3 स्पिन करके फिर 10 खोलने का, उसमें भी नहीं मिला, फिर से एक बार पक्की मिल गया था। तो अभी यूसी भी ख़त्म होने आया था, सिर्फ लास्ट 896 यूसी बचा था, तो मैंने सोचा कि एक लास्ट 10 मार लिए जाए टैप करके वॉइस पैक के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें भी नहीं निकला। नसीब नसीब की बात है, बहुत सारे वॉइस पैक कंटेंट क्रिएटर्स के भी नहीं निकले मेरे, डिसअपॉइंटमेंट तो थी, आप मेरी आवाज़ से समझ भी सकते हो, बट देन ठीक है। इस बार मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादा यूसी नहीं गलाऊंगा इसके ऊपर। A32 ऑलरेडी निकल चुकी थी और मेरा वीडियो पॉज हो गया था, Level 2 का अपग्रेड नहीं दिखा पाया, बट देखो ये एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट, ये हिट इफेक्ट, फायर आर्म इमोट भी है जो कि मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, इंस्पेक्ट फॉर्मेट भी बहुत मस्त है, फाइनल फॉर्म तक हो जाता है, बट लूट क्रेट के लिए मेरे पास पेंट कम पड़ जाता है, गन मटेरियल्स थे तो पेंट के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा रुकूंगा, अच्छे खासे पेंट जमा हो जाएंगे RP वगैरह में से, और फिर मैं उसे करवा दूंगा। तो आई होप ये आज की क्रेट ओपनिंग बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि इसमें 2 क्रेट्स थे, एंड जस्ट ऐसे ही तुक्का लगाने के लिए मैंने 2 पैक डलवाए थे, और 2 प्लस हाफ, क्योंकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा यूसी रणवीर सिंह के इसमें गए हैं वॉइस पैक निकालने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। एक्सूट के इसमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि अच्छे खासे एक्सूट्स मिले मुझे, ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि 3 एक्सूट तो मिले, क्योंकि फियोरे 2 बार मिला है प्लस पोसाइडन, तो अच्छा क्या है, 10,000 यूसी में आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो BGMI से, प्लस ये गन की स्किन AS32 2 या 3 बार शायद मिली है मुझे, अभी वापस देखना पड़ेगा मेरा वीडियो, बट ठीक है, लक अच्छा था, उसमें भी 3 गन मटेरियल मिल रहे तो कंप्लेंट्स नहीं कर सकते। ये देखो ये AS32 का इमोट बहुत ज़बरदस्त और बहुत जहर, आज तक ऐसे गन की स्किन मैंने नहीं देखी टू बी फ्रैंक। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई नो बहुत लेंदी हो गया है, बोर हो गया होगा आप लोगों को देखने के लिए, बट रियली सॉरी, आई होप आप एंजॉय करोगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, गिव अवेज जल्दी करेंगे। जय श्री राम, थैंक्स अ लॉट।